हमारे घर पे चीला उला नहीं है, पराठे देने के लिए आ गया हूँ भाई। और अम्मा गई थी ना मेरी जर्मनी, अम्मा को वापसी के लिए शर्मा रहा है। और इसको कभी रिश्ता रिश्ते देने चले गए तो क्या हो है। बैक टू आनंद व्लॉग। सो गाइस, आप सोच रहे होंगे आज मैं आपका भाई अहमद व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। यार आप सोच रहे हैं क्यों कर रहे हैं? नहीं मैं इसलिए कि बाबा अभी गए हैं वर्किंग पे। आपने पहले पहले व्लॉग देखा होगा कि बाबा आपको बोल रहे थे कि मामू आएंगे चूल्हा निकाल के जाएंगे, तो मामू आ चुके हैं। आपको दिखाता हूं चूल्हे की अभी क्या चल रही है। चूल्हे की चलिए अभी सफाई, चूल्हा निकाल लें शायद। यही देखें ये हमारा चूल्हा, मामू अभी निकाल लें चूल्हे को। तो सो गाइस, अभी चूल्हा चले आएगा, फिर कल आएगा तो बाबा आएंगे। तो फिर बाबा ने बोला था कि अहमद तुम स्टार्ट कर लेना, और अभी जब बाबा आ रहे हैं फिर मैं आपसे मिलता हूँ। सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। गाइस नए तरीके से आपके भाई ने व्लॉग नहीं स्टार्ट करी है भाई। पहले तो करते हैं दरवाजा बंद, बत्ती गुल बिल बहुत आते हैं। तो एनीवेज यार, जैसे कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा भाई, मैं आपको बोल के निकला मुझे जाना है वर्किंग पे। अहमद ने आपको डिटेल दे दी होगी भाई, मामू को आना था, मामू आ गए होंगे और मामू हमारे चूल्हा लेके जा भी चुके होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ मामू तो भाई हमारे चूल्हा ले गए। ये क्या सीन हो गया भाई, ये देखें भाई खाली बर्नी नजर आ रही है, चूल्हे का हाल देखें स्कूल बन गया पूरा। तो मामू ले गए भाई, अब हमारी चाय भी नहीं बन सकती, कुछ भी नहीं बन सकता क्योंकि चूल्हा है नहीं। यानी कि आज चाय भी नहीं बनेगी, सुबह का नाश्ता भी नहीं बनेगा, दोपहर का खाना भी नहीं बनेगा, यानी कल सब कुछ बाहर से आने वाला है। तो कोई बात नहीं, ले आएंगे बाहर से, इश्यू नहीं, अल्लाह का शुक्र। तो सो एनीवेज गाइस, यार चूल्हा वो जा चुका है भाई, मामला सारे आउट है। हेरा ने खाना कल ही बना लिया था, तो यार अभी खाना वाना खाते हैं, भूख शदीद लग रही है भाई। थोड़ा खाना वाना खा लूँ उसके बाद मिलता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। भाई आपके भाई ने खाना वाना खा लिया, और जैसा कि आप लोगों को पता है भाई हमारे घर में चूल्हा वूल्हा नहीं है, चूल्हा मामू लेके जा चुके हैं सही करवाने के लिए। तो चूल्हा भाई कल वाल आएगा, तो चाय तो बन नहीं सकती, आपको पता है खाने के बाद चाय तो जरूरी है। तक चाय ना पियो तो अलग से खाना हजम ही नहीं होता, मैदे में खाना रह जाता है चाय के बगैर, इतने हम लोग चाय के ठरकी हैं भाई। तो भाई हमने हेरा को बोला यार कोई लस्सी वस्सी बना लो, कोई ठंडा ठंडा हो जाए। बेटा जी लस्सी बना रही, बर्फ है पता नहीं बर्फ है नहीं। बाबा जी लस्सी ओ है कि भाई माय गॉड, फुल जमी भाई, क्या करूं तोड़ूं उसको? हां उसको तोड़ के ये भाई आपका भाई देगा फुल बर्फ वाला। ओए नहीं इतनी डालेंगे ज्यादा ठंडा भी ना हो जाए ना यार, मौसम खराब है थोड़ा। ये देखें वो नहीं होते बच्चे जो आ जाते हैं, क्या कहते हैं मासूम बच्चे, छिन्नी बटरी होती है और चंदा बटरा होता है। ये आए थे फॉरन बराडो सुनी, बर्फ चाहिए थप्पड़ मार दूंगा, बर्फ चाहिए अभी तुम्हारे को नजला खांसी सही हो, बर्फ चाहिए। अभी ये उंगली आए थे ना बेटा, और ये बर्फ सफेद की जगह लाल हो जाती, समझ रहे हो? बीच में उंगलियां करने की आदत है बच्चों की ना, ये उंगलियां करने की आदत बड़ी खतरनाक है भाई। लस्सी हमारी तैयार हो रही है, एक लस्सी ये है, दिमाग की लस्सी ये है, आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या कहा। वाओ यार क्या लस्सी लग रही भाई। भाई हमारी लस्सी तैयार हो गई, दिमाग की लस्सी ने लस्सी तैयार कर ली है। तो भाई अब निकालते हैं हम गिलास में एमा साहब के लिए, ये निकालते हैं लस्सी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड यार तमीजी में निकालने की मेरे को यार बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बर्फ बर्फ आ गई है, उठा लो भाई हमारी लस्सी वस्सी रेडी हो गई है। तो अहमद साहब जल्दी से पियो और निकलो बिस्तर पे। तो भाई लस्सी हमारी तैयार हो गई है, इसको पियेंगे थोड़ी देर के बाद, क्योंकि बहुत ठंडी यक हो रही है, और ठंडा यक मौसम में आपको पता है मौसम ऐसा हो रहा है गले वाले तो 100% खराब हो जाएंगे। The next day. So welcome back guys. Good morning भाई। तो अहमद साहब के स्कूल से लेके मैं घर आ गया हूँ भाई, और जैसा कि आप लोगों को पता है भाई चूल्हा तो हमारे घर पे है नहीं, तो भाई आज का नाश्ता लाएंगे हम बाहर से। तो अभी फिलहाल मैं लेने जा रहा हूँ नाश्ता भाई, वो एक महीने के बाद नाश्ता हम लोग बाहर से कर रहे हैं। क्यों जाहिर है जब से खाला आई हैं घर पे पराठे सराठे बन जाते हैं, तो पूरा महीना हम लोगों ने ना बाजार का नाश्ता नहीं किया। मुस्तफा भी उठ गया भाई, माशाल्लाह भाई, चेंज करो कपड़े फटाफट जाके, बात सुनो मोहत दो चेंज करो जल्दी जल्दी, जूस काम करो, नाश्ता लेकर आ रहा हूँ। यार ये धक्के क्यों मारा, क्या हो गया बताओ मुझे, क्या कह रहे हो बता? ये फिश के पास लेकर आ रहा है राइट। ओहो बेटा तुम बोलना कब सीखोगे मेरी जान। एनीवेज गाइस यार मैं जा रहा हूँ नाश्ता लेने के लिए, अजान हो रही है दोपहर की, तो नमाज वमाज पढ़ेंगे और फिर अपने काम धंधों पे निकलेंगे। यार चलते हैं भाई चाय पराठे लेने के लिए।
अपना तो भाई पराठे लेने के लिए आ गया हूँ भाई। आया भाई बना रहे हो तो? पांच पराठे और चार। अब अम्मा गई थी ना मेरी जर्मनी, अब अम्मा आ गए वहाँ पे, तब हम खा रहे घर के पराठे। आज मैं जो आया हूँ कि हमारा चूल्हा गया है बनने के लिए, आज शाम में आया है। तो घर के पराठे अच्छे के बाजार के? अच्छा मुझे पाँच, अब वो गई अगले साल तक बढ़ जाएंगी। पांच पराठे दो, चार चाय दे दो मुझे। तो भाई हमारे पांच पराठे लगा दिए आयाज भाई ने, और चाय भी हमारी रेडी हो रही है। हंसने की वजह तो बताओ, हमने तुम्हारा रिश्ता मांग लिया, लड़की दिखा दी, शर्मा रहा है। अच्छा कैमरे के आगे शर्मा भी आता बंदा यार, हम क्यों नहीं शर्मा, हम क्यों नहीं शर्मा रहे? और इसको कभी रिश्ता रिश्ता देने चले गए तो क्या हाल होगा यार? सही बोल रहा है भाई। ये तो भाई नाश्ता वास्ता लेकर आ गया हूँ मैं भाई, और करते हैं पहले नाश्ता और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। एमा साहब इंतजार में बैठे हैं, जल्दी नाश्ता है, जल्दी नाश्ता करेंगे। जारी बात है सुबह का बच्चा भूखा जाता है भाई, एक आधा कप दूध पी के जाता है। 2 hours later वेलकम बैक गाइस। यार बाहर गया था, घर आया तो भाई हमने सोचा हमारे पास थोड़ी सी चाय बची है तो हम क्यों ना इलेक्ट्रिक चूल्हे पे अपनी चाय बना ले। भाई आपके भाई ने इलेक्ट्रिक चूल्हे पे इतनी सी चाय बची बाहर से लेकर आया तो नाश्ते का इलेक्ट्रिक चूल्हा आपके भाई के पास, ऐसी बात नहीं है भाई। छोटा मोटा काम तो इससे अच्छा हो जाता है कि अगर कुछ हल्की फुल्की चाय बनानी हो, छोटा मोटा दूध गर्म करना हो, हल्का फुल्का सालन गर्म करना, तो इलेक्ट्रिक चूल्हे का काम हो जाता है। बिजली का बिल कितना ज़्यादा आता होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें आसानी इस चूल्हे बन जाती हैं। अब सर्दियाँ आ रही हैं जैसे कि आपको पता है गैस से कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी, और उसके बाद ये छोटे मोटी चीज़ों के लिए गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक चूल्हा आ गया। पकती वकती नहीं है कुछ भी चीज़, और गर्म भी हल्की फुल्की चीज़ होती है, हैवी ड्यूटी नहीं होगी। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरी उम्मीद है, दुआ है, मामू 9 बजे के बाद ही आएंगे इंशाल्लाह। तो फिर खाना नहीं बनेगा? अरे सिंगर कब से नहीं खाया यार, आज क्रेविंग हो रही सिंगर की, क्रेविंग हो रही गाइस। चाय देखो मेरी गर्म हो रही, हो जाए तो मैं निकाल के दे रहा हूं। तो गाइस असर की नमाज का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ इस वक्त नमाज पढ़ने की, नमाज पढ़ के आता हूँ फिर आप लोगों से मिलता हूँ। एक कप चाय का गर्म हो गया है और असर की अजान भी हो रही है, आपका भाई नमाज पढ़ने आएगा, सबसे पहले चाय पीते हैं। ये देखिए इसके लिए इतनी मेहनत करी, इतने बिजली के यूनिट लगाए, इतने से कब के लिए? अजान हो रही है गाइस, अजान हो रही है, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, उसके बाद मिलूंगा आप लोगों से। तो गाइस भाई वही कल वाली कंडीशन सिचुएशन हो गई है, मैं बाहर जा रहा था नमाज पढ़ने के लिए तो भाई मेरे पीछे पड़ी है, तो खैर नमाज तो मैंने पढ़ ली है भाई। इन भाई का एक चक्कर घुमाएंगे, अहमद साहब को ट्यूशन छोड़ेंगे, इसको भी लत पड़ गई बाहर जाने की। सिर्फ एक दिन गया है कल, हालांकि आप लेके भी नहीं जाते इसको, इसके बावजूद चलो टाटा। मामू ने सारा प्लान चौपट कर दिया हमारा आज का, बाहर के खाने का जो हमारा प्लान था, चूल्हा आ गया भाई, अब खाना घर पे पकाना पड़ेगा, आज हम बाहर से खाना नहीं खाएंगे, फिंगर बर्गर का सारा प्लान कैंसिल कर दिया। मामू मैंने दुआ करी थी कि 9 बजे के बाद आना, लेकिन जल्दी आ रहा है, मुझे फोन कर दे। देखो यार जाती हो गया हमारे साथ यार, गलत हुआ है। लग रहा था मैंने कहा आप रात को 9 बजे के बाद ही आएंगे आराम से, आज नसीब में नहीं था फिंगर बर्गर हमारे यार। तो कोई बात नहीं यार, चावल ही खा लेंगे, मामू जल्दी लेकर आ गया, चूल्हा सही करा गया। क्या मसला था? पहले माचिस लगा के तुम आग लगा दी थी, अब तुम ऐसे लगा देना आग, सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। पहले भी तुम ऐसे मास्टर है यार, माचिस की जरूरत नहीं पड़ती है, खतरनाक टैलेंट किसी किसी औरतों में होता है जो तुम्हारे में पाया जाता है। हमारा चूल्हा हो गया दोबारा से ऑटोमेटिक, उसके लिए चाहिए सेल जो होता है, तो मैं अभी सेल लेने जा रहा हूँ, सेल लेके आता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों से। हाँ गैस तो आ रही है। तो भाई हमारा चूल्हा हो गया बिल्कुल सही, और मामू ने कर दिया इसको ऑटोमेटिक। मामू बंद करके जरा ऑटोमेटिक करके दिखाना भाई, भाई ये जादू कैसा टक टक करो, अब माचिस बचाएगी। हेरा जो एक चूल्हा जलाने के लिए पूरा एक डब्बा ख़त्म करते ना माचिस का, तो अब माचिस हमारी अल्लाह का शुक्र है बच जाएंगी, तो अब ये ऑटोमेटिक हो गया। देखिए मैं आपको दिखा, टक 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 टक, ये चूल्हा ऑन, वाह 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 क्या बात है। यही है भाई चूल्हा, मामू गलत टाइम पे लेकर आ गए, आज हमारा फिंगर का मूड था तो वो हो गया खत्म। सुबह का नाश्ता चाय तो बाहर से आइए। चूल्हा वूल्हा हमारा तकरीबन सही हो गया, अल्लाह का शुक्र है भाई, अब प्रॉब्लम नहीं होगी चूल्हे में। बैल बजी, देखिए कौन आए, मैं अहमद साहब आए होंगे। कौन? अहमद की छुट्टी आज बंद थी आज, क्योंकि ये घर पे तो पढ़ता नहीं है, आपको पता, नखरे करता है, मुझे याद है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि भाई मुझे सब आता है, मुझे सब याद है। अस्सलाम वालेकुम। माँ बाप की बात ना मानने का नतीजा ये होता है कि इंसान की छुट्टी होती है। आज हाथ मिलाइए जनाब, कैसे हैं आप? हैं ठीक है,
आज कैसा लगा आपको पढ़ने में? हैं? कोई बात नहीं बेटा, ये शाबाश, आज लग रहा है मुझे पढ़ा लिखा बच्चा, शाबाश। ये तुम्हें मम्मा ने याद कराया था, उसके बावजूद तुमने याद। अरे टेस्ट देते देते आधा घंटा लग गया। आधा घंटा लग गया, तुम्हारे फाइल वगैरह रखे में। तो एनीवे भाई, हमें साहब भी आ गए भाई, अब मैं कर रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ना भी दबा दीजिएगा। तो मिलता हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।